इस पूरे हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या कुछ रहा खास? सोयाबीन का MSP बढ़ने, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम, अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। ओडिशा में धान किसानों को सरकार ने दिया तोहफा। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली न्यूज़ बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र के सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत, PM मोदी का MSP 6000 प्रति कुंतल देने का वादा। पराली जलाने की घटनाओं पर हरियाणा सरकार सख्त, 26 अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। ओडिशा सरकार का धान किसानों को तोहफा, मिलेगा प्रति कुंतल 800 रुपये बोनस। उत्तर प्रदेश में खाद संकट पर कृषि मंत्री ने कहा, वैश्विक चुनौती से बढ़ा संकट। कृषि वैज्ञानिक की सलाह, गेहूं की जिस किस्म में फुटाव अच्छा उसमें कम रखें बीज की मात्रा। आलू किसानों के लिए पोटैटो किंग ने दी सलाह, जरा सी लापरवाही चौपट कर देती है फसल। पेराई सत्र के शुरुआत में ही कम चीनी उत्पादन का अनुमान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत मिली है। PM मोदी ने एक जनसभा में ऐलान किया कि अब महायुति सरकार सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 6000 रुपये करेगी। सोयाबीन किसान इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अभी तक MSP 4892 रुपये तय है, लेकिन खुले बाजार में इसका भाव 3500 से 4000 रुपये तक ही चल रहा था। PM की इस घोषणा के बाद उम्मीद है कि खुले बाजार में भी भाव बढ़ेगा। हमारी सरकार सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने को अलग से 5000 रुपये दे रही है। महायुति सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। किसान सोयाबीन की MSP 6000 रुपये करने को लेकर कर रहे थे आंदोलन। महाराष्ट्र चुनावों में सोयाबीन किसानों की मांगें बड़ा मुद्दा थी। MP में भी किसानों ने किया MSP बढ़ाने के लिए आंदोलन। ओडिशा में धान की खेती करने वाले किसानों को MSP से 800 रुपये अधिक प्रति क्विंटल इनपुट कॉस्ट के रूप में मिलेंगे। ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी ने इसकी घोषणा की। राज्य में किसानों को 2300 रुपये प्रति क्विंटल MSP के और 800 रुपये अतिरिक्त जोड़कर प्रति क्विंटल 3100 रुपये का भाव दिया जाएगा। भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में किया था वादा, पहली बैठक में ही सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। ओडिशा में धान खरीद 20 नवंबर से होगी शुरू। हरियाणा में पराली जलाने से रोकने में नाकाम रहे 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, जबकि 250 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नायम सिंह सैनी ने बताया कि राज्य में 8 नवंबर तक पराली जलाने के 906 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल इस समय अंतराल में 1649 मामले सामने आए थे। साल 2023-24 में पराली न जलाने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 120 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए। इस वर्ष 11,21,000 एकड़ जमीन का किसानों ने अब तक कराया है रजिस्ट्रेशन। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पराली जलाने के मामले में किसानों पर FIR दर्ज करना हल नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान पराली जलाना नहीं चाहते, क्योंकि इस समस्या का खामियाजा सबसे पहले किसानों के परिवारों को ही भुगतना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में खाद के संकट की। रवी सीजन में प्रदेश के किसानों को खाद मिलने में आ रही दिक्कतों पर गांव जंक्शन ने यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से बात की। आप भी सुनिए क्या बोले कृषि मंत्री जी। जो इस समय वैश्विक जो परिस्थितियाँ हैं, खासतौर पर अरब देशों से जो हमारे फर्टिलाइजर आते थे और रशिया से आता था, हम जानते हैं कि वहाँ पर पिछले एक साल से लड़ाइयाँ चल रही हैं और चीन के साथ हमारे संबंध पिछले वर्षों में अच्छे नहीं रहे हैं, और भारत सरकार ने फिर उसको रिवाइव करने का प्रयास किया है और इसके नाते कुछ कठिनाइयाँ हैं। बावजूद उसके राज्य के भीतर हम लोगों ने भारत सरकार के साथ तालमेल स्थापित करके और उसका प्रयास किया है कि किसान भाइयों को सुलभता के साथ उनकी जोत के अनुसार उनको उपलब्ध हो जाए। पिछले वर्षों में चूँकि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी वैश्विक, इस नाते वो कठिनाई नहीं थी। अभी वैश्विक कठिनाई होने के नाते बीच में जो लाल सागर से आती थी वो रूट से
अपने देश के भीतर डीएपी जो फास्फेटिक रॉ मटेरियल नहीं है, सारे मटेरियल रॉ मटेरियल भी यदि कोई बनाता भी है तो मटेरियल बाहर से ही आती है और पूरा का पूरा लगभग इम्पोर्ट होता है फास्फेटिक फर्टिलाइज़र, तो इस नाते उसे सारे मटेरियल बाहर से लाए जाने पड़ते हैं, वहाँ से चलती है, वहाँ लोडिंग होती है, फिर वो आती है पोर्ट पर, पोर्ट से आती है राज्य को, तो ये कठिनाइयाँ हैं उसके साथ, एक व्यवहारिक कठिनाई अभी खड़ी हुई है क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो लड़ाइयों की वजह से जो हमारे पास समय से पहले भंडारण हो जाता था वो नहीं हो पा रहा है, जो 12 से 15 दिन वेसल साने में लगते थे आज 20 से 25 दिन महीने भर लग जाते हैं, जैसी भी वहाँ पर परिस्थिति होती है उसके हिसाब से आती है, तो इस नाते कुछ कठिनाइयाँ हैं, इसलिए मैंने किसानों से भी ये आग्रह किया है कि वो धैर्य रखें और उसके प्रयास किए जा रहे हैं। कल तक 4,12,000 मेट्रिक टन हमारे पास फास्फेटिक फर्टिलाइज़र पूरे प्रदेश में रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बिक्री की व्यवस्था बनाएं, और अभी लगभग 16 से लेकर के 18,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन हमारा फास्फेटिक फर्टिलाइज़र जा रही है और बाहर से हमारी 6 से लेकर के 7 रेक प्रतिदिन आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी व्यवस्था का संतुलन बना करके रखें और कहीं इस तरीके की शॉर्टेज भी नहीं होने वाली है, पूरी हम प्रयास करेंगे। बस इतना कहना है कि जिस तरीके से क्रॉप कट रही है, खेत खाली हो रहे हैं, बुआई का समय आ रहा है, उस हिसाब से किसान ये लेंगे तो किसी तरीके की कठिनाई नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीनी मिलों द्वारा पेराई देरी से शुरू करने पर वर्ष 2024-25 के पेराई सीजन की शुरुआत में ही देश में चीनी उत्पादन में 44% की गिरावट आई है। NFCSFL की रिपोर्ट के अनुसार पहले 6 हफ्ते में उत्पादन 7 लाख टन रह गया, जबकि पिछले साल पहले यह 12 लाख टन था। भारत के 3 बड़े चीनी उत्पादक राज्यों में से एक महाराष्ट्र में अभी तक पेराई शुरू नहीं हो पाई है। NFCFSL का अनुमान है कि 2024-25 के पेराई सीजन में कुल चीनी उत्पादन पिछले सीजन के 319 लाख टन से घटकर 280 लाख टन तक रह सकता है। उत्तर भारत में गेहूं की बुआई चल रही है और किसान अलग अलग किस्मों की अपने क्षेत्र के हिसाब से बुआई कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ सावधानियों को ध्यान रखें तो उनकी पैदावार अच्छी हो सकती है। IARI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजवीर यादव ने बताया कि खाद और बीज का किसान कैसे उपयोग करें जिससे कि उनका उत्पादन अच्छा हो। जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि इस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रह रहा है, हवा चल रही है, मॉइस्चर बहुत फास्ट डिप्लीट होता है, तो थोड़ी सेलो सीडिंग ना करें, मतलब ऊपर बीज ना रखें, थोड़ा सा गहराई में डालें ताकि अगर जो ऊपरी परत में मॉइस्चर उड़ता है तो भी जमुआर बनी रहे। क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट या क्रॉप का जमुआर एक बार अच्छी हो जाती है गेहूँ में 80% समस्याओं का समाधान हो जाता है। अच्छी वैरायटी चूज़ करिए, सीड रेट प्रॉपर रखिए, सीड ट्रीटमेंट करिए अगर जी इट इज़ फिजिबल, बाकी सीड ट्रीटमेंट वीट के अंदर ना भी करें तो कोई आफत नहीं है। ज़्यादातर वैरायटी इस तरह की है कि जो जिनके अंदर कोई भी रोग नहीं आता, बाकी करनाल बंट वगैरह की जो इंसिडेंस रहती है वो अगर जो मान लो उस टाइम प्रोफाइलेटिक मेजर के तौर पर कुछ आप इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज कर सकते हो, वो भी उस केस में जिस केस में आपको पता है कि आपके एरिया में रिकरेंटली बार बार मतलब करनाल बंट आता है, नहीं तो आपको उसकी भी ज़रूरत है। टाइम मार्केट में DAP कम मिल रहा है तो NPK की फॉर्मुलेशन में कई कम्बिनेशन अवेलेबल हैं, 12-16-32 है, 12-32-16 है या 12-12 है, 16-16 है, कई कम्बिनेशन के अंदर NPK अवेलेबल है, NPK सफिशियंटली अवेलेबल है, उनको यूज़ कर लें। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा DAP जितनी मात्रा में डालते थे, NPK जनरली क्योंकि DAP के अंदर फॉस्फोरस 46% होता है, तो NPK में आइदर इट विल बी या तो 16% होगा या 32% होगा या 12% होगा, तो उस केस में आप NPK को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालें, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि एडिशनली आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और पोटास भी मिल जाएगा, तो उस तरह से आप अपने फर्टिलाइज़र को डिज़ाइन कर सकते हो। जिन किस्मों में फुटाव ज़्यादा उसमें कम बीज डालें, DAP कम मिलने से NPK के फार्मूलेशन का उपयोग करें, DAP के मुकाबले NPK को अधिक मात्रा में किसान डालें। UP में आलू की बुआई लगभग हो चुकी है, अब बारी आती है फसल देख रेख की। जरा सी लापरवाही फसल को चौपट कर देती है। पोटैटो किंग के नाम से मशहूर यूपी के शाहजहाँपुर के किसान अमनदीप सिंह, जो हर साल करीब 20,000 क्विंटल आलू का उत्पादन करते हैं, आलू किसानों को सलाह देते हैं कि उन्हें कब और क्या करना चाहिए। लैंड तैयार जितनी बढ़िया होगी उतना उत्पादन बढ़िया होगा।
जैसी लागत लगाओगे वैसा उसका उत्पादन लोगे। टाइम से स्प्रे, टाइम से बुआई, खेती का सबसे उत्तम चाबी ही ये है, टाइम से काम होना चाहिए। ज़्यादातर इस साल हमने कच्चा आलू लगाया है 7008। पूरब में ज़्यादा पसंद किया जाता है और नेपाल में पसंद किया जाता है, और उसके सिवा हमारे पास LR है, प्रोसेसिंग वैरायटी FC5 है PepsiCo का। काम को काम के तरीके से लो, प्रोफेशनली मैनेज करो उसे। टाइम मैनेजमेंट आपकी सही है, आपको क्रॉप कभी मार नहीं खाएगी और मैक्सिमम यील्ड आपको मिलेगा। तो रेवेन्यू जनरेट तकरीबन 3 लाख के करीब हो जाता है। मान लिया 2 लाख रुपया खर्चा निकाल दिया तो भी 1 लाख एक रुपया एकड़ तो बच रही है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गांव जंक्शन पर। नमस्कार। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।